मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। भोपाल के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर के पास वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस आरक्षक के साथ एक बाइक सवार युवक ने झूमा झटकी कर गाली गलौज कर दी। पुलिस आरक्षक ने उसे बिना हेलमेट बाइक चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए चेकिंग पॉइंट पर रोका था। हनुमानगंज थाना पुलिस ने ट्रैफिक थाना के ASI की शिकायत पर बाइक नंबर के आधार पर आरोपित की तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्थानीय शासकीय मेडिकल कॉलेज का नाम जावरा मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे के नाम करने की घोषणा से लोगों में नाराजगी है। सर्व समाज द्वारा सोमवार को मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद भगत सिंह के नाम करने की मांग को लेकर वाहन रैली निकाली गई। कलेक्टर कार्यालय के बाहर ज्ञापन लेने के लिए कलेक्टर के नहीं पहुंचने पर लोगों में रोष फैल गया। उन्होंने नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। कुछ देर बाद जब कलेक्टर पहुंचे तो उन्हें मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की दौड़ से खुद को बाहर बताया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही प्रदेश में भाजपा चुनाव लड़ेगी। विजयवर्गीय पार्टी नेताओं से चर्चा करने जबलपुर आए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों पर जवाब दिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बुंदेलखंड की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि इस उम्र में भी दिग्विजय सिंह यात्रा निकालने का जज्बा रखते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उनकी यात्रा का परिणाम हर किसी को मालूम है। इंदौर शहर के खजराना थाना क्षेत्र के महकबाटिका के सामने रविवार रात एक व्यक्ति नशे की हालत में मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। जब आसपास के लोगों ने व्यक्ति को टावर पर देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचने के बाद पहले उसे समझाइश दी, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं था। कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से व्यक्ति को नीचे उतारा गया और MY अस्पताल भिजवाया। हजरत निजामुद्दीन से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस में रविवार रात 9 बजे खाना खत्म हो गया। जब नाराज यात्रियों ने खाना मांगा तो उन्हें खराब पोहा और उपमा परोस दिया गया, जिस पर यात्रियों ने हंगामा कर दिया। यात्री इस बात से नाराज थे कि उनके कोच C13 में चढ़ाया गया खाना दूसरे कोच के यात्रियों को परोस दिया गया था। जब खाना परोसने की बात कही गई तो कैटरिंग कंपनी के कर्मचारियों ने ठीक से जवाब नहीं दिया। जोर देने पर पैक्ड खान पान सामग्री दी गई जिसकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं दुहाशी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।